एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सीधवा साधवा है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एकर पर तोर पर प्रार्थना करता हूँ। आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इतके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, प्रधानमंत्री के ऊपर एक बड़ा बयान कर दिया चंद्रदास जी ने। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी का सिर खोने वाला आदमी चाहिए। ये सिर्फ भूपेश बघेल जी हो सकते हैं और ये यादव जी, देवेंद्र यादव जी हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस तरह के निराधार तर्कों का विषय नहीं है। मोदी जी के चरण छूने के लिए भी इनको 100 बार सोचना पड़ जाएगा। और ये जो बात कह रहे हैं, इस तरह से ही अनर्गल ऊल जरूल बातें पहले भी मोदी जी के बारे में कही गई और हर बार इन बयानों के बाद मोदी जी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया है। पहले भी किसी ने कहा कि उनको मारा जाए, उनको काटा जाए, आदि आदि बातें कहीं। तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ, अब जनता ने देखा है, फिर से इनकी असलियत समझ रही है जनता। और इस बार अब इस चुनाव में इस बयान के आधार पर भाजपा को अधिक वोट मिलने वाले हैं, यह भी पक्के तरीके से चरणदास मान जी समझ लें। सीनियर आदमी हैं, सम्मान उनका लोग करते हैं। उनके भाव के बिल्कुल विपरीत है ये सब कुछ जो कुछ उन्होंने कहा। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। घोर निंदा करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, अगर आइंदा ऐसा उन्होंने कहा और कुछ किया तो उनको खुद को भी व्यक्तिगत तौर पर इसको हम खुद इस बात का प्रखर विरोध करेंगे उनके सामने जाकर के। मंत्री जी, आज संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, आप पार्टी के क्या कहेंगे?